उत्तर प्रदेश के जनपद रायबरेली में सुबह बड़ा रेल हादसा हुआ। मालदा से चलकर नई दिल्ली जा रही फरक्का एक्सप्रेस पटरी से अचानक उतर गई। हादसा इतना भीषण था कि इंजन समेत 5 कोच हरचंदपुर रेलवे स्टेशन के पास बिखर गए। हादसे में अब तक 7 यात्रियों की मौत की खबर है, वहीं मरने वालों की संख्या में इजाफा हो सकता है। 35 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। वहीं इस हादसे में क्षेत्रीय लोगों को झकझोर कर रख दिया है। राहत और बचाव कार्य के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ आम जनता और कुछ ही देर में एनडीआरएफ का पूरा अमला मौके पर पहुंच गया। राहत और बचाव का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। सभी घायलों को स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। वहीं इस हादसे के बारे में डीआरएम नॉर्दर्न रेलवे लखनऊ मंडल ने बताया, कई लोगों की भीषण दुर्घटना में मौत हुई है, 35 से ज्यादा लोग घायल हैं। सबसे पहले रेलवे की प्राथमिकता यही है कि घायलों का इलाज व्यवस्थित ढंग से किया जाए। वहीं जिले की सांसद और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है और जल्द ही दौरा करने की बात कही। जानकारी के अनुसार यह ट्रेन मालदा से रायबरेली होते हुए दिल्ली जा रही थी। हालांकि इस हादसे में मृतकों को केंद्र सरकार ने 5 लाख रुपए और घायलों को 1 लाख के साथ ही मामूली रूप से चोटी लोगों को 50,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की है। ट्रेन संख्या 14,000 थी, मालदा टाउन से नई दिल्ली। ये हरचंदपुर से बात कर रहे हैं। यहाँ पर इसके 9 डब्बे ड्रेल हो गए और इंजन, इसमें 7 कैजुअल्टीज हैं और घायल हुए हैं जो कि माइनर है। जैसा कि यहाँ पर CSC पासी में है, वहाँ पे डॉक्टर साहब से बात हुई थी, उन्होंने अटेंड करके उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भिजवा दिया है। वहाँ पे भी हमारी टीम चली गई है और हम लोगों ने OP चौधरी हॉस्पिटल जो है रोड पे ही है और वहाँ पे भी पूरी व्यवस्था की हुई है। तो पहले हम रेस्टोरेशन से पहले हम जो यात्री घायल उनको पहले हम प्राथमिकता दे रहे हैं। रायबरेली से जनमत न्यूज़ के लिए राम मिश्रा की रिपोर्ट।